नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं अन्य साधनों से आय। तो इनकम टैक्स के अंदर आय के पांच शीर्षक हैं, पांच हेड्स हैं। उनमें से पहला है वेतन से आय, जहां पर दो व्यक्तियों के बीच में नियोक्ता और कर्मचारी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का संबंध होता है, और एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय कोई राशि प्राप्त करता है तो ऐसी राशि वेतन कहलाती है, और वेतन की आय वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। दूसरा शीर्षक हमने पढ़ा मकान संपत्ति से आय। अगर किसी व्यक्ति करदाता के पास अगर कोई मकान संपत्ति है जो कि किराए पर उठाई जा सकती है या फिर किराए पर उठाई गई है, तो उससे जो किराए की आय प्राप्त हुई है वो आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। तीसरा शीर्षक है व्यापार अथवा पेशे की आय। अगर कोई व्यक्ति व्यापार करके कोई आय कमा रहा है या फिर कोई व्यक्ति अपने कोई पेशेवर व्यक्ति है अपने पेशे से कोई आय कमाता है, तो ऐसी आय व्यापार अथवा पेशे से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। चौथा हमने पढ़ा पूंजी लाभ, कैपिटल गेन्स। अगर किसी के पास कोई पूंजी संपत्ति है, और पूंजी संपत्ति की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं पूंजी लाभ चैप्टर में, तो अगर किसी व्यक्ति किसी करदाता के पास पूंजी संपत्ति है और वो पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से अगर कोई लाभ प्राप्त करता है तो ऐसा लाभ पूंजी लाभ कहलाता है, और पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है। ऐसी कोई आय जो इन चारों में से किसी भी शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होती, वो आय ऐसी अवशिष्ट आय अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि कौन कौन सी आयें अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी आयें हैं मुख्यतया जो अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर मुक्त होती हैं। पहला, सार्वजनिक भविष्य निधि, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। पीपीएफ में अगर राशि जमा राशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो ऐसा ब्याज अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होता, ऐसा ब्याज कर मुक्त होता है। डाकघर से प्राप्त ब्याज, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से अगर कोई ब्याज प्राप्त हुआ है, और पोस्ट ऑफिस में ब्याज प्राप्त करने के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। एक तो है बचत खाता। अगर किसी ने पोस्ट ऑफिस में कोई सेविंग अकाउंट खुलवा के रखा है, बचत खाता खुलवा के रखा है, तो उस पर अगर कोई सिंगल एक व्यक्ति के नाम से अगर कोई खाता है तो उस पर ₹3500 उस खाते में प्राप्त ₹3500 तक का ब्याज करमुक्त होता है। और अगर कोई संयुक्त खाता है तो संयुक्त खाते में ₹7000 तक का ब्याज करमुक्त होता है। तो डाकघर से जो ब्याज प्राप्त होता है उनमें अगर बचत बैंक खाता खुलवा रखा है किसी ने, तो अगर किसी एक व्यक्ति के नाम से खाता है तो ₹3500 तक का ब्याज करमुक्त होगा, और अगर संयुक्त खाता है तो ₹7000 तक का ब्याज करमुक्त होता है। उसको अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं किया जाता। हमने कल पढ़ा था कि प्रतिभूतियों पर अगर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो वो ब्याज अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है। प्रतिभूतियों से हमारा तात्पर्य है ऋण पत्र, बॉन्ड्स और कोई सरकारी प्रतिभूतियां। लेकिन प्रतिभूतियों के अलावा अगर कोई अन्य प्रकार से ब्याज प्राप्त होता है, जैसे डाकघर से, कोई वित्तीय संस्थान में जमा से, बैंक में जमा से, तो उन पर जो ब्याज प्राप्त है वो भी अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है। लेकिन डाकघर के बचत खाते से प्राप्त ब्याज सिंगल अकाउंट पर, एकल खाते पर ₹3500 तक, और संयुक्त खाते पर ₹7000 तक ब्याज करमुक्त होता है। संचयी सावधि जमा खाता। अगर कोई संचयी सावधि जमा खाता में पैसा जमा करवाया हुआ है डाकघर में, और ये जो संचयी सावधि जमा खाता 10 या 15 वर्ष की अवधि का है, तो इस पर जो ब्याज प्राप्त होता है ऐसा ब्याज करमुक्त होता है, अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं होता। सार्वजनिक खाता, पब्लिक अकाउंट। अगर डाकघर में किसी ने कोई सार्वजनिक खाता, पब्लिक अकाउंट खुलवाकर उसमें अगर पैसा जमा करवा रखा है, तो ऐसे खाते पर प्राप्त ₹5000 तक का ब्याज करमुक्त होता है। ₹5000 तक का ब्याज जो है करमुक्त होता है, यानी कि ₹5000 तक की राशि को अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। जीवन बीमा निगम से प्राप्त राशि, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जीवन बीमा निगम। जीवन बीमा निगम की कई योजनाएं चला रखी है जीवन बीमा निगम ने, तो जीवन बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं से प्राप्त कोई भी जमा राशि या फिर उस पर बोनस की राशि अगर कोई प्राप्त हो तो ऐसी राशि जो है करमुक्त होती है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की कोई जो योजना है उसमें अगर मैच्योरिटी पे या फिर अवधि पूरे होने पर अगर कोई राशि प्राप्त होती है या फिर बोनस की राशि प्राप्त होती है, तो किसी प्रकार की राशि जो है कर योग्य नहीं होती। सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज, तो हमने बात की थी कि प्रतिभूतियों से अगर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो वो कर योग्य होता है, लेकिन कुछ सरकारी प्रतिभूतियां हैं अगर इनसे ब्याज प्राप्त होता है तो ऐसा ब्याज अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत
करमुक्त होता है, करयोग्य नहीं होगा। 7% पूंजी विनियोग बॉन्ड्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, अगर इस प्रतिभूति पर अगर कोई ब्याज की राशि प्राप्त होती है तो ऐसा ब्याज करमुक्त होता है। और यह जो प्रतिभूति है, इस प्रतिभूति पर ब्याज की करमुक्ति केवल वेस्टी और हिंदू करदाताओं, हिंदू अविभाजित परिवार करदाता को ही प्राप्त होगी। 10% राहत बॉन्ड्स, 10% रिलीफ बॉन्ड्स, इस बॉन्ड पर अगर कोई ब्याज की राशि प्राप्त होती है, ये एक सरकारी प्रतिभूति है, तो इस पर अगर ब्याज की राशि प्राप्त होती है तो ऐसी ब्याज की राशि भी करमुक्त होगी। और ये ब्याज की राशि केवल वेस्टी इंडिविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवार करदाता के लिए ही करमुक्त है। स्वर्ण जमा योजना 1999 के अंतर्गत जारी स्वर्ण जमा बॉन्ड्स, ये भी सरकारी प्रतिभूति है और ये सरकारी प्रतिभूति जो है करमुक्त है। इस सरकारी प्रतिभूति पर अगर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो ऐसा ब्याज करमुक्त होगा। स्थानीय सत्ता लोकल अथॉरिटी या फिर राज्य पोषित वित्तीय संस्थान, और या फिर ऐसा कोई वित्तीय संस्थान जो राज्य सरकार द्वारा पोषित हो, तो इसके जो अधिसूचित बॉन्ड हैं, जो नोटिफाइड बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स पर अगर कोई ब्याज की राशि प्राप्त होती है तो ऐसी ब्याज की राशि भी करमुक्त होती है। आर्य उपक्रमों यानी जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उनके द्वारा जो इश्यू की गई हैं, वो प्रतिभूतियां भी जो है करमुक्त होती है, उन प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज भी करमुक्त होता है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC के 9% एवं 10% बॉन्ड्स, तो जिन बॉन्ड्स पर ब्याज की दर 9% और 10% है, तो 9% और 10% बॉन्ड्स नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के द्वारा अगर कोई बॉन्ड जारी किए गए हैं 9%, 10% और इन बॉन्ड्स पर जो ब्याज की राशि प्राप्त हो रही है वो ब्याज की राशि करमुक्त होगी। MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL के द्वारा जारी 9% एवं 10% बॉन्ड्स पर प्राप्त ब्याज की राशि भी करमुक्त होती है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 9% एवं 10% बॉन्ड्स, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा जारी 9% और 10% बॉन्ड पर भी ब्याज की राशि करमुक्त होती है। ये 9% और 10% ब्याज की दरें हैं। NHEPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 9% बॉन्ड्स भी जो है इन पर ब्याज प्राप्त ब्याज की राशि भी करमुक्त है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 10% बॉन्ड्स, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड के 10% बॉन्ड्स पर प्राप्त ब्याज की राशि भी करमुक्त होती है। ये सारे याद रखने पड़ेंगे। REC लिमिटेड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 9% एवं 10.5% बॉन्ड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 9% एवं 10.5% बॉन्ड्स, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 9% एवं 10% बॉन्ड्स, हुडको के 9% एवं 10.5% बॉन्ड्स, हुडको है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इस प्रकार से ये कुछ सरकारी प्रतिभूतियां हैं जो करमुक्त हैं, जिन पर ब्याज की प्राप्त राशि करमुक्त होती है। इसके अलावा कुछ और भी सरकारी प्रतिभूतियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही प्रतिभूतियां जो है क्वेश्चन में आती हैं। इनके अलावा घरेलू कंपनी जो इंडियन कंपनी है उसके समता और अधिमान अंशों पर प्राप्त लाभांश की राशि भी करमुक्त होती है। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से जो इस शीर्षक के अंतर्गत जो करमुक्त आय हैं उसकी हमने आज बात की है। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।